मनपाकी खबर सामने आउंदी है फिरोजपुर ते मल्लावाल अधीन पैंदे पिंड नवा गुरदित वाला जिथे पुरानी रंजिश दे चलदे एक तेज तारी हथियार दे नाल नौजवान दा कतल कर दिता जांदा है। कतल भी दर्जन व्यक्ति मिलके करदे ने। उते दस दिए कि घर दे विच वड़ के व्यक्ति दा कतल कीता जांदा है। व्यक्ति दा नाम गुरविंदर सिंह दस्या जा रहा है ते पुरानी रंजिश दे चलदे एक कतल कीता जांदा है। उते दस दिए कि डीजे बंद करवाण नूं लै के एक कतल कीता जांदा है, ये रंजिश दसी जांदी है। उत्थे दस दिए कि हमलावर पहला तो गुरविंदर सिंह के पुराने घर के वड़ के भन तोड़ करते हैं, तो इस तों बाद गुरविंदर सिंह के नवे घर के दाखिल होंदे ने। तो जो गुरविंदर सिंह रोटी खा रहा हुंदा है तो पहुँचते हैं तो दातर कृपाना के नाल उसते हमला कर देंगे ने तो जख्मी कर देंगे ने। दूजे पास इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह ने दसिया कि कल नवा गुरदित वाला विखे लड़ाई हुई सी जिसके प्यो पुत्र गंभीर रूप के नाल जख्मी हो जाते हैं, जिन्हों इलाज के लिए फरीदकोट विखे दाखिल करवाया जाता है, जिते एक नौजवान गुरविंदर सिंह के इलाज दौरान मौत हो जाती है। तो सज्जन सिंह के बयान से चार व्यक्तियों समेत सात आठ विरुद्ध कतल का मामला दर्ज किया जाता है, तो दोषियों की भाल की जा रही है। वजह बस कुछ नहीं सी, बस यही सी भी आई सी वजह भी डीजिया का ही रौला, बस डीजिया तो क्या सी यही बस, कोई साड़ी लड़ाई नहीं, अभी कहते असं नहीं लड़ना, साढ़े नाल धक्के नाल मुंडे नूं ललकारदा सी, धमकियां दिंदा सी, रात नूं बारह बारह बजे तेरा फोन लाउंदा सी, असीं मुंडे नूं कहा सी असीं नहीं लड़ना, साढ़े नाल धक्का की सानूं इंसाफ चाहीदा, असीं सरकार कोल मंग करदे आं सानूं इंसाफ चाहीदा, उहनां नूं सज़ा मिलनी चाहीदी, मुल पैणा चाहीदा। हांजी वीरे रमनदीप, ते इह जिहड़ा मतलब कल जिहड़ा कतल होया वा इह की लगदे सी तुहाडे? मेरा वीर सी निक्का। ते की कारण बनिया वी जिहड़ा मतलब उहनां ने जिहड़े हमलावरां ने उहनां नूं कतल कर दित्ता गया, इहदे पिछे की वजह की सी? कोई कारण नहीं सी वीर जी, बस पिछले साल पहला मम्मा दा ऑपरेशन होया सी अखां दा, ते इहनां नूं कहा सी भी डीजे तुसीं ना लाओ, इन्हां ने कहा भी असीं डीजे लावांगे, घरे बहुत बंदे बुंदे इकट्ठे करदे सीगे, पहला नशे नुशे दा भी कम करदे सीगे, ते असीं इन्हां नूं रोकिया कि सानूं दिक्कत परेशानी आउंदी धीआं भैणां तों, क्योंकि बाद च वीर ने इत्थे बाहर थां ले लिया घर पा लिया, इन्हां ने बस उही पुरानी रंजिश रखी, होर कोई मेरा वीर दा कोई इन्हां नाल लैणा देणा नहीं, लड़ना नहीं उह चाहुंदा सीगा, सिर्फ उह रोटी खाण वास्ते इत्थे आया सीगा, नहीं उन्हें पता लग्या इन्होंने 25-30 बंदे कट्ठे करके आके मेरे वीर नू मारता, सानू कुछ नहीं पता लगा क्यों मारिया की गल आ, चालां दे सीगे कुछ पिंड दे सीगे, चालां दे सीगे छेरखां उहदे नाल मुंडे दा जो बना एक दा अनमोल आ जशन आ करना, उहदा मामा सी उहनू माशा कहिंदे आ, एक उहदी मां सी एक उहदी भैण सीगी, सारे एक साडे पिंड दे बंदे सीगे दो तीन नाल जिन्हां ने मिल के मरवाया उहनू। ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗਿਰਦੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਗਿਰਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਬਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਧਾਰਾ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, 307, 452, 427 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ ਅਤੇ 7-8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਲ ਜੀ ਕਿਤੇ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।